ये है कल्कि का श्राप एपिसोड 7। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इधर एक तरफ जहां करतार सिंह के घर में उन सबकी आपस में झड़प हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अधीरा रुद्र को लेकर गांव के बाजार में आ गया था, जहां दुकानों को इस तरह से सजाया गया था मानो वो किसी मेले में आए हों। चारों ओर दुकानें ही दुकानें थीं, जहां कपड़े की दुकानों से लेकर खिलौने, हेयर ड्राइव, स्वीट्स, बैंगल्स आदि की कई सारी दुकानें थीं। वहां सजावटी सामान की दुकान भी थी। इसी दौरान अधीरा की नजर अपने ही गांव की एक लड़की पर पड़ गई। अरे रुद्र, तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम ले लो, मैं तब तक टहल कर आता हूँ। ओके भैया। रुद्र चुनरियों की एक दुकान की तलाश में आगे बढ़ता गया, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए एक अच्छी सी चुनरी लेना चाहता था। वो इधर उधर चुनरियों की दुकान की तलाश में था। वहाँ बहुत सारे लोग थे। सहारनपुर के कई सारे लोग उसे घूर कर देख रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से ही उनके गांव की हार हुई थी। ऐसे में वो अब उसे पसंद नहीं करते थे। हालांकि वो इन सब की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। अरे आओ भाई, चुनरी ले लो, जिसे चाहिए लेकर जाओ, फिर मत बोलना कि मैंने फ्री में किसी को चुनरी नहीं दी है। उसके कानों में एक लड़की की बेहद प्यारी आवाज पड़ी। हाँ आओ आओ लेकर जाओ, बहुत अच्छी चुनरियाँ हैं। एक बार ओढ़ लोगे तो इस राधा को दोबारा याद करोगे। हाँ चाहे भले ही अगली बार हमारा गांव जीत जाए, लेकिन चुनरी आप राधा की दुकान से ही लोगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। जिसके बाद वो उसी दिशा में आगे बढ़ा। उसे एक लड़की की पीठ दिखाई दी। उसने लहंगा, ब्लाउज और एक लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी। उसकी गोरी कलाइयों में सुंदर लाल रंग की चूड़ियां देखकर कोई भी उसकी तरफ खिंचा चला आता। ऊपर से उसकी आवाज, वो तो किसी कोयल के जैसे सुरीली थी। रुद्र उसकी तरफ खिंचा चला गया मानो उस लड़की में कोई मैग्नेट हो। कुछ ही देर में जाकर वो उसकी दुकान पर खड़ा हो गया, मगर राधा की नजर उस पर नहीं पड़ी, क्योंकि उसने उसकी तरफ पीट कर रखी थी। अच्छा तो हमारी दुकान से कोई सामान नहीं लेगा? कोई बात नहीं भाई, जिसको जाना है खाली हाथ जाओ। वैसे भी अगर कोई नहीं लेगा तो मौसी बड़ा खुश होंगी, क्योंकि आज के दिन अगर हमने एक भी चुनरी नहीं दी तो मतलब साफ है कि फ्री में हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। वो बड़बड़ाते हुए मुड़ी। रुद्र की नजर जैसे ही उस पर पड़ी वो उसे देखता ही रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। राजस्थानी लहंगा चुनरी उस पर जच रहा था। उसने लाल रंग की चुनरी को अपने कंधों पर बड़े ही सलीके से डाल रखा था। मोटी और झील सी गहरी आंखों में उसने बेहद कम सुरमा डाल रखा था। उसने अपने पतले और गुलाब की पंखड़ियों से पतले होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। उसके लहराते काले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। रुद्र ने इससे पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। ऐसे में उसका अट्रैक्ट हो जाना लाजमी था। वो उसे बस एक टक देख रहा था। उस दौरान उसकी नजर उसके क्लीवेज पर और सीने पर थी। वो उसके होठों को भी करीब से देख रहा था। हे, ऐसे क्या देख रहे हो? पहले किसी लड़की को नहीं देखा क्या? नहीं। क्या? क्या कहा? सच्ची में? तुमने पहले कोई लड़की नहीं देखी? इस बार उसने जैसे ही बोला रुद्र उसके ख्यालों से बाहर आ गया। वो लड़की अब भी उसकी तरफ देख रही थी। इस बार उसने जब उसको ध्यान से देखा तो उसे याद आ गया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही रुद्र है जिसने उनके गांव के पहलवान शेरा को पटकनी दी थी। अरे आप तो रुद्र हो, कहिए कैसे आना हुआ? कुछ लेंगे? चुनरियों की दुकान पर एक लड़का कैसे आया? कहीं कोई गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं ले रहे? मैंने पहले इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं, तो फिर गर्लफ्रेंड के होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ओहो, अब तो आप मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। नहीं जी, सच कह रहा हूँ, आप बहुत सुंदर दिख रही हैं और मैं यहाँ चुनरी लेने आया था, लेकिन किसी लड़की के लिए नहीं बल्कि मेरी माँ के लिए। क्या आप कोई चुनरी दिखाएंगी? अरे क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम विजेता पहलवान को कोई चीज देंगे, वरना पहलवान तो मर्दों का सामान रखने वाली दुकान पर ही जाते हैं।
औरतों के सामान को भला कोई मर्द क्यों खरीदेगा? हाँ, पर वो असलियत में मैं अपनी जीत को अपनी माँ को सौंपना चाहता था। इस वजह से मैं उनके लिए याद के तौर पर ये चुनरी लेना चाहता था। ओह, बढ़िया है जी। किस रंग की दिखाऊं आपको चुनरी? जिस तरह की आपने पहन रखी है ना, वैसी ही दे दो। अरे, ऐसी तो कुंवारी लड़कियाँ पहनती हैं, शादीशुदा तो बड़ी पहनती हैं। तो क्या हुआ, मुझे ऐसी चाहिए, आप दो ना। क्या बात है जनाब, कहीं आपको ये चुनरी तो बढ़िया नहीं लग गई ना? अगर ये बढ़िया लग गई तो तो फिर तो सोचना पड़ेगा। रुद्र नीचे बैठ गया। सोचना पड़ेगा मतलब? अरे महाराज, यहाँ की परंपरा के अनुसार जब कोई लड़की अपनी चुनरी उतार कर किसी लड़के को दे देती है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, उसका रिश्ता पक्का माना जाता है। ओहो, फिर तो रुद्र निराश हो गया। फिर तो क्या, बोलो मंजूर है क्या? अगर है तो फिर तो सोचना पड़ेगा। क्या मंजूर है? ये चुनरी वाली या फिर कोई और ही सेट कर रखी है? इसके बाद रुद्र का चेहरा उतर गया। क्या हुआ, आपको बुरा लग गया क्या? हाँ, क्योंकि आप ऐसे कैसे किसी की फीलिंग्स पर हंस सकती हैं? राधा अचानक ही चुप हो गई। अच्छा माफ कीजिएगा, मैं हंस नहीं रही थी, लेकिन आपके जैसे काबिल पहलवान की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बात थोड़ी गले से नहीं उतरती है। मैं काबिल तो कल ही बना था ना, उससे पहले तो कोई मुझे जानता तक नहीं था। खैर, अगर आप अपनी चुनरी देना चाहें तो मुझे बेहद खुशी होगी। ओह सच्ची? लेकिन इससे पहले मेरा नाम नहीं पूछेंगे आप? बताओ ना। रुद्र उसकी दुकान के आगे लगे तख्त पर बैठे हुए बोला। राधा, राधा नाम है मेरा, और आपका नाम तो अब इस गांव में सब जानते हैं। अक्सर हमारे गांव वाले कहते हैं कि अधीरा ने चीटिंग करके पहलवानों को हराया, लेकिन आपके बारे में किसी ने ऐसा नहीं कहा। बस यही बोले, कल के मैच में वो रुद्र नाम का लड़का क्या गजब का खेला, उसने शेरा को अपने दम पर हराया था। ओह, और यही वजह है कि मैं अब आपको चुनरी देते वक्त एक पल के लिए भी नहीं सोच रही हूँ, लेकिन इसे संभाल कर रखना, यही सोच लेना आज से राधा आपकी हुई, बाकी रस्में तो बाद में। राधा ने अपनी चुनरी को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसके बाद रुद्र ने पास रखी दूसरी चुनरी को उठाकर उसके कंधों पर डाल दिया। वो उस चुनरी को अपने पास रख लेता है। इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वैसे काश जितनी आसानी से मुझे आपकी चुनरी मिली उतनी आसानी से आप भी मिल जाती तो कितना अच्छा होता ना। मौसी से बात कर लेना आप, मौका देखकर मैं भी मिल जाऊंगी। ओह बढ़िया है फिर तो। रुद्र ने मुस्कुराकर उसकी चुनरी को अपने पास संभाल कर रख लिया। राधा उसे बेहद प्यारी लग रही थी, उसका बस चलता तो उसे उसी पल अपना बना लेता, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। दोनों ही गांवों में आपस में इससे पहले कभी शादी नहीं हुई थी, और जो भी शादी हुई थी वो बहुत पहले हुई थी। लेकिन रुद्र के लिए वो कोई बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि वो जानता था अगर वो ये बात सूरजभान सिंह से कहेगा तो वो तुरंत राधा को उसकी पत्नी बनाकर उदयवाड़ा लेकर आ जाएंगे। ऐसे में वो खुश था, वो राधा की तरफ एकटक देखते हुए बातें कर रहा था। अरे रुद्र, अब आना नहीं क्या? हाँ धीरा भैया, आ रहा हूँ। कहते हुए रुद्र दौड़कर उसकी तरफ चला गया। इधर राधा रुद्र को एकटक देख रही थी, तो वहीं रुद्र भी उसकी तरफ मुड़ मुड़ कर देख रहा था। वो जानता था राधा को भी वो काफी अच्छा लग रहा था, यही वजह थी कि वो अब बहुत खुश था। मगर अब उसके लिए ये एक बड़ा टास्क होने वाला था कि वो राधा के बारे में अपनी फैमिली को कैसे बताए। वो यही सब सोचते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गया। इस दौरान उसने उस चुनरी को हाथ में ले लिया और उसके बाद उसे चूम लिया, मानो वो राधा तक अपनी सौगात पहुंचा देना चाहता हो कि उसे उससे फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया है। आखिर क्या अंजाम होगा राधा और रुद्र की प्रेम कहानी का? सूरज ने अरावली की पहाड़ियों के पीछे से दस्तक दे दी। हालांकि आज वो बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। मौसम काफी खुशनुमा था, क्योंकि ठंड अब उतनी नहीं रही जितनी बसंत पंचमी से पहले हुआ करती थी। उदयवाड़ा गांव के लोग आज फ्री का सामान लेने के लिए सहारनपुर के गांव के बाजार में आए हुए थे। बाजार में काफी रौनक नजर आ रही थी, दुकानें सजी हुई हैं, तो वहीं वहां के लोग
उन सब का बड़े ही प्यार से स्वागत कर रहे थे। सबने उनकी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। औरतें, महिलाएं और पुरुष उदयवाड़ा गांव के लोगों का स्वागत बहुत अच्छे से कर रहे थे। इस दौरान केवल रुद्र ही नहीं बल्कि ठाकुर सूरज भान सिंह और अधीरा जैसे कई लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। सबसे पहले वो बाकी के गांव वालों की तरह बाजार में सामान खरीदने के लिए नहीं गए, क्योंकि उनके पास वस्तुओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हाँ, वो करतार सिंह जी से मिलकर उनको खूब बेइज्जत करना चाहते थे। ऐसे में वो पहले उनके घर पहुंचे, जहां करीब 20 लोगों का खाना बना हुआ था। खाना इतना लजीज और टेस्टी था कि सबको खाना खाकर मजा आ गया था। उसके बाद उन लोगों ने वहां कुछ समय बिताया। उनके लिए महंगी विदेशी शराब उपलब्ध करवाई गई, जिन्हें स्पेशल ओकेजन पर ही पिया जाता था। शराब पीकर अधीरा को तो मजा ही आ गया था, तो वहीं रुद्र ने शराब को छुआ भी नहीं था। उसके पिताजी ने उसे शराब पीने के लिए पहले ही मना कर रखा था। हालांकि उसके लिए सबसे अच्छा खाना बनाया गया था। इतना अच्छा खाना रुद्र ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। वो करतार सिंह जी के घर के बने खाने का फैन हो गया था। हालांकि वहां आने से पहले ठाकुर ने उन सबको अच्छे से बोल दिया था कि वो करतार सिंह जी के घर के खाने से लेकर उनकी हॉस्पिटैलिटी की तारीफ ना करें। ठाकुर करतार सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और यही वजह थी कि वो उनके साथ इस तरह का बर्ताव करता था। हालांकि करतार सिंह ठाकुर को अपना कट्टर दुश्मन मानने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं रखी। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहते कि उनके लिए अच्छे से अच्छे खाने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा करतार सिंह जी बाजार के भी हर दुकानदार से कह देते थे कि वो अपनी दुकान में हर तरह की वस्तुओं की व्यवस्था रखें। उनकी इस प्रथा की वजह से उनका सहारनपुर गांव 2 से 3 महीने आर्थिक रूप से पीछे चला जाता, मगर फिर भी सहारनपुर गांव की जमीन उदयवाड़ा के मुकाबले बहुत अधिक उपजाऊ थी। वहां लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। यही वजह थी कि वो अपने गांव की तरफ से उनकी खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अधीरा जी बाबा सा, वो तुम रुद्र को बाजार लेकर जाओ। दिखाओ तो सही इसे कि जीतने के बाद बाजार में जाने पर कितना अच्छा लगता है। जो खुशी मिलती है वो मैं शब्दों में बयान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जान लो रुद्र कि एक बार जीतने के बाद तुम्हारा अब बार बार यहीं आने का मन करेगा, और मैं चाहता हूँ कि हम हर बार यहीं पर इनके मेहमान बनकर आए। क्यों, सही कहा ना मैंने करतार सिंह जी? करतार सिंह जी को मन ही मन बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी तरफ से इस बार अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी वो हार गए थे। लेकिन वो मरने से पहले एक बार जरूर उदयवाड़ा को हारता हुआ देखना चाहते थे। फिलहाल वो चुप थे। इस दौरान अधीरा रुद्र को लेकर वहां से जा चुका था। उनके साथ कई और लोग भी निकल चुके थे। हालांकि वहां ठाकुर अब भी समीर सिंह चौहान के साथ बैठा हुआ था। अरे करतार सिंह जी, इतना भी उदास मत हो जाओ। कभी न कभी आपका गांव भी जीतेगा, फिक्र ना करो। हाँ जीतेगा, और ऐसी जीत हासिल करेगा कि तुम लोग देखते रह जाओगे। लेकिन कौन आएगा आपको जितवाने के लिए? आपके गांव में तो कोई भी ऐसा पहलवान नहीं है जो हमारे गांव के पहलवानों के साथ टक्कर भी ले सके। आज जब रुद्र ने शेरा को हराया तो आपके गांव की पहलवानी की पोल खुल गई। हाँ लेकिन अब वो आएगा, वो वापस आएगा। कौन, पगला गए हो क्या? कुछ यूं ही समझ लो तुम सूरज भान सिंह, जिसे तुम पागल कह रहे हो उसके ही बेटे ने आज से 30 साल पहले तुम्हें ऐसी पटखनी दी थी कि तुम उस हार को पचा नहीं सके थे। सबके सामने उसने तुम्हारे घमंड को चकनाचूर कर दिया था। क्या भूल गए तुम उस दिन को जब मेरे बेटे ने तुम्हारी छाती पर अपने पैर को रख कर तुमसे कहा था कि हार स्वीकार करते हो या फिर अब भी कहीं घमंड बाकी रह गया है तुझमें? अपनी हद में रहो। मत भूलो कि उसके बाद हमारे गांव ने 30 सालों तक लगातार तुम्हारे गांव के पहलवानों को हराया है। सूरज भान सिंह की टोन से ही लग रहा था कि उसे बुरा लग रहा है। हाँ चीटिंग करके ना, मेरे बेटे की तरह तो नहीं हराया ना,
पूरे चार नहीं, उसने 10 पहलवानों को पटखनी दी थी, सबको नंगा कर दिया था। तुम्हारे ही गांव के उसी अखाड़े में, याद है, जहां एक पहलवान सिर्फ एक पहलवान को हरा दे तो अपने आप को 30 मार खा समझ बैठता है, वही उसने तुम्हारे गांव के सभी पहलवानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया था। और फिर सबके सामने हाथ जोड़कर उसने कहा था कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए। तुम्हारा बाप जब उसके पैर धोने के लिए आगे बढ़ा था तो पता है उसने क्या कहते हुए मना किया था? आप तो मेरे पिता तुल्य हो, भला आप मेरे पैर कैसे धो सकते हो ठाकुर साहब? लेकिन तुम लोगों ने उसके साथ जो किया वो ठीक नहीं था, पर वो आएगा और वर्षों पुराने उस बदले को उसी अखाड़े में पूरा करेगा। वो अपने बाप को बताएगा कि देखो बाबा साहब, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। अगर तुम और तुम्हारे गांव के सभी पहलवानों को एक बार फिर उसने सबके सामने नंगा ना कर दिया तो मेरा नाम करतार सिंह नहीं, और इस बार वो होगा ठाकुर जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की है। कैसे, तुमको पता भी है मरे हुए लोग वापस नहीं आया करते करतार सिंह? समीर सिंह चौहान ही नहीं बल्कि वहां बैठे बाकी के सभी लोग करतार सिंह का मजाक बनाने लग गए, जिसकी वजह से उन्हें बुरा लगा, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि उनका विश्वास था कि उनका बेटा आएगा, मगर कैसे ये उन्हें पता नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ ठाकुर और बाकी के लोगों को इस बात पर घमंड था कि उनका गांव लगातार 30 सालों से जीतता आ रहा था, फिर चाहे इसके लिए उन लोगों ने चीटिंग ही क्यों ना की हो। हालांकि अब सवाल ये था कि आखिर सूरज भान सिंह और बाकी के लोगों ने ऐसा क्या किया था जिसका बदला लेने के लिए करतार सिंह ने ऐसी बात कही थी? इसके अलावा उनके बेटे के साथ क्या हुआ था? आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।